ईद का त्योहार होए और घर में खीर ना बने, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आप समझ तो गए होंगे कि आज मैं आपके साथ कौन सी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए आज हम बनाते हैं इस शुभ अवसर पे शीर कोरमा। शीर कोरमा बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए आधी कटोरी घी। घी गर्म होने के बाद हम सबसे पहले ड्राई फ्रूट फ्राई करेंगे। घी गर्म हो चुका है और अब हम डालेंगे पिस्ता। गैस की आंच को स्लो पे रखिए। पिस्ता फ्राई हो चुका है, अब हम इसे निकाल देंगे। अब हम डालेंगे कटा हुआ बादाम। अब हम डालेंगे इसमें चारोली। चारोली फ्राई हो चुकी है, इसे भी अभी हम निकाल देंगे। और लास्ट में हम डालेंगे काजू। काजू हो चुका है और अब हम इसे भी निकाल लेते हैं। ड्राई फ्रूट फ्राई करते समय गैस की आंच धीमे पे रखिए, नहीं तो ड्राई फ्रूट जलने का डर रहता है। अब हम लेंगे 200 ग्राम सेवइयां और इसे घी में फ्राई कर लेंगे। अब हम डालेंगे इसमें करीबन 1 लीटर दूध। सेवियां अच्छी सॉफ्ट हो गई हैं, अब हम इसमें डालेंगे 1 कप कंडेंस्ड मिल्क। इसे अच्छे से हम चला लेंगे। अगर आप कंडेंस मिल्क नहीं डालना चाहते तो आप 1 कप चीनी डाल सकते हैं। अब हम डालेंगे इसमें किशमिश। थोड़ा सा इलायची पाउडर। अब हम डालेंगे अपना फ्राई किया हुआ सब ड्राई फ्रूट और इसे अच्छे से चला लेंगे। मुझे पतला शीर कोरमा ज्यादा अच्छा लगता है, इसलिए मैं इसमें थोड़ा और दूध डाल रही हूँ। इसे एक उबाला दे देंगे। शीर कोरमा को अच्छा उबाल आ चुका है, अब हम इसे सर्व करते हैं। ये रहा हमारा गर्मा गर्म शीर कोरमा एकदम तैयार। इसे ईद के अवसर पे जरूर बनाइए और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कीजिए। आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। स्वाद अनुसार के इस एपिसोड में बनाते हैं एक शाही मिठाई जिसका नाम भी है शाही टुकड़ा। ये रेसिपी 3 हिस्सों में बनती है। सबसे पहले चाशनी, इसके लिए एक बर्तन में 1 कप शक्कर और 1 कप पानी गरम करें। मिश्रण को लगातार हिलाते रहे जिससे शक्कर बर्तन से ना चिपके। शक्कर के दाने जैसे ही पिघल जाएं, गैस को मध्यम आंच पर ले आए। अब डालें इसमें केसर की कुछ कलियां। जब तक चाशनी बन रही है तब तक ब्रेड को तैयार कर ले। एक बोल या कटर लेकर ब्रेड को गोलाकार काट ले। अब ब्रेड को दोनों तरफ से घी लगा ले। अब इन्हें प्री हीटेड ओवन में 180 डिग्री सेल्सियस पर अच्छे से टोस्ट कर ले। बीच में उन्हें फ्लिप कर ले।
शक्कर के पूरी तरह घुल जाने पर मिश्रण को और 5 से 7 मिनटों तक उबाले, बाद में उसे ठंडा होने के लिए रख दे। सबसे अंत में बनती है रबड़ी। इसके लिए एक बड़े बर्तन में 1/2 लीटर दूध उबाले, दूध को स्टर करते रहे और उसे आधा हो जाने तक उबाले। अब ब्रेड स्लाइसेस को चाशनी में 4 से 5 मिनटों तक डुबाए रखे। दूध आधा हो जाने पर उसमें 1/2 कप शक्कर डाले, अच्छे से मिला ले और डाले इलायची पाउडर। इसे थोड़ा सा मिलाने पर तैयार है रबड़ी। सर्विंग करते समय ब्रेड स्लाइसेस को डिश में रखे और उन पे रबड़ी फैलाएं। काजू, किशमिश, कटे बादाम और पिस्तों से गार्निश करें। तैयार है लाजवाब शाही टुकड़ा। स्वादिष्ट उत्तरी मिठाई जिसे फिरनी कहते हैं, राइस पुडिंग का ये भारतीय स्वरूप बनाने में है एकदम आसान। सबसे पहले भिगोए हुए चावल मिक्सर में पीस ले। अच्छी तरह से पीसने के बाद उन्हें उंगलियों के बीच में दबा कर देखें। अगर चावल का दाना महसूस नहीं होता है तो पेस्ट तैयार है। एक बर्तन में 1/2 लीटर दूध उबालें। दूध उबलने पर उसमें डालें चावल की पेस्ट। अब इस मिश्रण को अच्छे से मिलाएं और दूध आधा होने तक उबालें। दूध के पूरी तरह से उबल जाने पर उसमें डालें कंडेंस्ड मिल्क। अगर आपके पास कंडेंस्ड मिल्क नहीं है तो आप लगभग उतनी ही शक्कर भी डाल सकते हैं। अच्छे से मिलाएं, कंडेंस्ड मिल्क को पकने दें। दूध गाढ़ा हो जाने पर गैस बंद करें और फिरनी को ठंडा होने दें। बाद में उसमें डालें इलायची पाउडर, किशमिश। अच्छे से मिला लें और उसमें डालें रोज वाटर। अगर आपके पास रोज वाटर नहीं है तो आप रोज एसेंस की कुछ बूंदें भी डाल सकते हैं। काजू, कटे बादाम और पिस्तों से गार्निश करें। तैयार है लाजवाब फिरनी। बादाम मिल्क, चलिए शुरू करते हैं। यहां पर लेंगे 500 ml दूध, गैस ऑन कर दूंगा। आप कोई भी दूध ले सकते हो, गाय का दूध या भैंस का दूध, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपको क्या करना है, दूध को 8 से 10 मिनट के लिए उबालना है, उसको घुमाते रहना है। अब जब तक ये उबल रहा है, मैंने क्या किया है, यहां पर मेरे पास बादाम है। बादाम को मैंने पानी में ओवरनाइट सोक करके रखा है। अगर आपको इसको इमीडिएटली बनाना है, आप क्या कीजिए, बादाम में गर्म पानी डाल दीजिए 10 मिनट के लिए। तो इसके छिलके निकालेंगे। अब एक उबाल आ गया है, इसे और 5 मिनट के लिए उबालूंगा। यहां पर मैंने बादाम के छिलके निकाल दिए हैं और ये बादाम जाएंगे इस मिक्सर ग्राइंडर में। अब क्या है, इसको मिक्सर में लगा देता हूं और इसमें डालूंगा थोड़ा सा ठंडा दूध। इसका क्या करना है, एक फाइन पेस्ट बनाना है। ये काफी थिक है, इसमें थोड़ा सा और दूध डालूंगा और एक बार मिक्स। परफेक्ट, बहुत ही क्रीमी टेक्सचर आया है।
अब इसको आपको घुमाते रहना है। अब इसमें डालेंगे थोड़ी सी मिठास, आपको ज्यादा चाहिए आप ज्यादा भी डाल सकते हो, ये जाएगा स्वाद अनुसार। अब शक्कर को अच्छी तरीके से मेल्ट होने देते हैं, तब तक इसमें मैं डालूंगा इलायची। मैं क्या करने वाला हूं, सिर्फ दो इलायची के बीज डालने वाला हूं। यहां पर मेरे पास कस्टर्ड पाउडर है, कस्टर्ड पाउडर में मैं क्या करूंगा, ठंडा दूध मिला दूंगा और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर दूंगा। अच्छा, ये मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि एक बढ़िया सा कलर आएगा और दूध थिक हो जाएगा। आपको इसे अच्छी तरीके से मिक्स करना है, इसमें थोड़े भी लम्स नहीं चाहिए। और ये कस्टर्ड का जो मिक्सचर बना है ये गया इस दूध में, परफेक्ट। इसको मिक्स कर देंगे अच्छी तरीके से। आपको एक चीज का ध्यान देना है, इसे अच्छी तरीके से मिक्स करते रहना है क्योंकि मुझे नहीं चाहिए कि कस्टर्ड इसमें जम जाए। अब आंच को धीमी कर देंगे और इसमें डालेंगे बादाम, जो बादाम का मिक्सचर बनाया है। बादाम का पेस्ट डालने के बाद इसे करते रहना है मिक्स। देखिए क्या सही कंसिस्टेंसी आई है, दूध काफी थिक हो गया है। अब लास्ट में इसमें डालेंगे केसर। केसर को मैंने दूध में ऑलरेडी मिक्स करके रखा था। जैसे केसर जाता है इतनी ब्यूटीफुल महक आती है, मैं आपको क्या बताऊं। बादाम डालने के बाद इसे अच्छी तरीके से मिक्स करना है 3 मिनट के लिए, ज्यादा नहीं। अब मैं इसमें डालने वाला हूं ड्राई रोज पेटल्स, ये ऑप्शनल है, अगर आपको चाहिए तो आप डालिए। अब गुलाब का फ्लेवर, इलायची का फ्लेवर, सैफ्रन का फ्लेवर, बहुत ही डिलिशियस मजा आएगा। और अब बारी आती है आज के टिप की। यहां पर मैं आपको एक हेल्दी टिप देने वाला हूं बादाम के बारे में। आपको सिर्फ 5 बादाम खाने हैं, ज्यादा नहीं, दिन में। इससे क्या होता है, आपका बैड कोलेस्ट्रॉल घटता है और अच्छा कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। इसमें होता है विटामिन ई जो आपको स्किन में मदद करता है, काफी सारी एंटीऑक्सीडेंट्स है, भरपूर हेल्थ बेनिफिट्स है। सो दिन में 5 बादाम खाइए और हेल्दी रहिए। अब गैस बंद कर देते हैं। आपको अब क्या करना है, इसे रूम टेम्परेचर पर लेके आना है और ठंडा करके पीना है। और ये ठंडा आप कैसे करोगे, फ्रिज में डाल के। इसमें आपको बर्फ नहीं मिलाना है, अगर आप इसमें बर्फ मिलाओगे तो बादाम दूध की कंसिस्टेंसी खराब हो जाएगी। रमजान के मजे लीजिए, अच्छा खाइए। सी यू अगेन।